सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ न्यायाधीश जस्टिस अनिरुद्ध बोस बुधवार 10 अप्रैल को अपने पद से सेवानिवृत्त हो गए। उन्हें 24 मई 2019 को सुप्रीम कोर्ट के जज के रूप में पदोन्नत किया गया था। करीब 5 सालों तक जस्टिस बोस शीर्ष अदालत में रहे। उनके रिटायरमेंट की पूर्व संध्या पर मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने उनके सम्मान में एक विदाई समारोह आयोजित किया था, जिसमें देश के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने जस्टिस बोस की खूब तारीफ की। जस्टिस बोस के सम्मान में सीजीआई चंद्रचूड़ ने कहा कि बेंच के किसी सहकर्मी को विदाई देना एक खट्टा मीठा काम होता है। सेवानिवृत्ति पर विदाई देते समय हम अपनी मित्रता का सम्मान करते हैं और उसी परंपरा का निर्वहन करते हुए इस शाम को कलकत्ता हाईकोर्ट, झारखंड हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में उनके योगदान को मान्यता देने के लिए समर्पित करते हैं। इसके बाद जस्टिस चंद्रचूड़ अचानक बांग्ला बोलने लगे। उन्होंने बांग्ला में कहा, বিচারপতি শ্রী বোস একজন ক্লাসিক্যাল বাংলা ভদ্রলোক, স্বভাবে উনি একটা বুদ্ধিজীবী। জাস্টিস বোস সাহিত্য, ইতিহাস, কাব্যিকের একটা বিশেষ ছাত্র, আর শ্রী শ্রী রামকৃষ্ণ দেবার পুস্তক ওনার পছন্দিদা। বাংলা ভদ্রলোক হতে হলে ধুতি পাঞ্জাবি পড়তে হয় আর ফুডি হতে হয়। মতলব বিদ্বান সাথ শ্রী বোস এক উৎকৃষ্ট বঙ্গালি ভদ্রলোক কে বুদ্ধিজীবী ব্যক্তি হ্যাঁ। ও সাহিত্য, সংস্কৃতি, इतिहास और काव्यशास्त्र के विशेष छात्र रहे हैं। श्री श्री रामकृष्ण देव की पुस्तकें उन्हें पसंद हैं। वो बंगाली भद्रलोक के पुरुष होते हुए पंजाबी धोती और खाने पीने के भी शौकीन हैं। सीजीआई ने जस्टिस बोस की तारीफ में कसीदे पढ़ते हुए आगे कहा कि वो हमेशा तकनीकी का इस्तेमाल करने में सहज रहे। उन्होंने अपनी अदालत में हाइब्रिड हियरिंग को सहजता से अपनाया। सीजीआई ने कहा कि जब जस्टिस कलकत्ता हाईकोर्ट में जज थे, तभी उन्होंने सबसे पहले वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का उपयोग किया था। बकौल चीफ जस्टिस 2012 में एकल न्यायाधीश के रूप में कार्यरत जस्टिस बोस ने एक वादी को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अमेरिका से पेश होने की अनुमति दी थी। आपको बता दें कि जस्टिस अनिरुद्ध बोस का जन्म 11 अप्रैल 1959 को हुआ था। उन्होंने सेंट लॉरेंस हाई स्कूल कोलकाता से पढ़ाई की थी। अपनी उच्च माध्यमिक शिक्षा के बाद न्यायमूर्ति बोस ने कोलकाता के सेंट जेवियर्स कॉलेज में वाणिज्य क्षेत्र से स्नातक की उपाधि प्राप्त की। उन्होंने अपनी कानूनी शिक्षा कलकत्ता विश्वविद्यालय से संबद्ध सुरेंद्रनाथ लॉ कॉलेज से पूरी की। इसके बाद उन्होंने 1985 में एक वकील के रूप में अपने करियर की शुरुआत की और उन्होंने अपना नाम पश्चिम बंगाल बार काउंसिल में दर्ज करवाया। फिर उन्होंने कलकत्ता उच्च न्यायालय में प्रैक्टिस की। 2004 में उन्हें कलकत्ता उच्च न्यायालय में स्थायी न्यायाधीश के रूप में पदोन्नत किया गया। 11 अगस्त 2018 को जस्टिस बोस ने झारखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। फिर 24 मई 2019 को वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़।